एवरीवन, आई एम समृद्धि, योर सीनियर मेंटर, एंड टुडे आई एम हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ सॉकर शोडाउन. एंड टुडे वी विल कवर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निर्मा यूनिवर्सिटी. एंड वी हैव टुडे प्रियल जैन. हाय प्रियल, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे. हाय मैम, हाय गाइस, आई एम प्रियल जैन. आई एम करेंटली इन माय थर्ड ईयर परसुइंग बीकॉम एलएलबी ऑनर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निर्मा यूनिवर्सिटी. तो आपका लीगल एज में क्या एक्सपीरियंस था, कैसा था, हाउ डिड यू फील? लीगल एज इज अ जर्नी वेयर आई हैव मेड सो मेनी मेमोरीज, प्लस देयर हैज बीन एन एक्सपीरियंसेस. लाइक मेरे लिए वो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो लीगल एज ने ऐसी चीजें सिखाई है. लाइक आई हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस, आई हैव लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू पुट माई ओपिनियन. तो दिस इज ऑल आई हैव लर्न इन माई लीगल एज. प्लस वी हैव गॉट द प्रिवलेज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द डायरेक्टर्स ओनली, लाइक करण सर एंड हर्ष सर. तो उन अभी शायद वो नहीं उतना पढ़ाते हैं, मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं, बट वी आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. सो उस टाइम पे भी वो बहुत अच्छा था. प्लस टीचर्स आर सो सपोर्टिंग. लाइक इफ वी गॉट लाइक घर की याद आ रही है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम डिप्रेस हो रहे हैं, फिर डीमोटिवेट हो रहे हैं, सो टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस एंड मोटिवेट अस. सो लीगल एज का जर्नी ऐसा है लाइक अ नेक्स्ट होम फॉर अस. सो वी हैवंट फेल्ट लाइक कि वी आर स्टडिंग इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोचिंग, बट इट इज अ नेक्स्ट होम फॉर अस. लाइक वी कैन शेयर एवरीथिंग विद एवरी टीचर एंड लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट. सो दैट इज ओके, लाइक फुल ऑफ. तो निर्मा में कैसा है एक्सपीरियंस अब? निर्मा में इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. लाइक ऑनलाइन में उतना बेटर नहीं था बिकॉज वी कुडंट एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल, बट देर आर सर्टेन एक्टिविटीज दैट निर्मा कंडक्ट, तो उसके हिसाब से वी गॉट टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल. लाइक पहला एक्टिविटी आई एक्चुअली रिमेम्बर्ड इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन, जहाँ पे 15 15 का ग्रुप्स बना था एंड वी हैव टू इंटरेक्ट विद ऑल अदर पीपल एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर ग्रुप इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो उधर से वी गॉट टू इंटरेक्ट विद बैचेस के, अपने बैचेस के खुद के स्टूडेंट से. And then we shifted to offline version and it is a beautiful journey so far. तो आपको कैसे, मतलब निर्मा में क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, आप उस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे? सो निर्मा में यू हैव टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट आप एडमिशन थ्रू क्लैट ही ले सकते हो. सो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बेस्ड ऑन इट्स मार्क्स यू गॉट द एडमिशन इन निर्मा. एंड देन देयर इज एप्लीकेशन डेडलाइन एंड बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन डेडलाइन आपकी रैंकिंग आती है, उस हिसाब से 300 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं. सो या दैट्स द ओके, प्रोसेस. सो आपको अपनी रैंक याद होगी कम अराउंड? या लाइक अराउंड 3,400 अराउंड आई हैव मेरी रैंकिंग. सो आई गॉट द एडमिशन. आई हैव बीन अलॉटेड बीकॉम एलएलबी ऑनर्स बाय रैंक. ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अब अगर अपन बात करें, कैसा है निर्मा? मतलब 2007 में जब स्टैब्लिश हुआ है तो कॉलेज तो नया ही है, मतलब काफी नया सा बिल्डिंग. सो हाउ मेनी बिल्डिंग्स, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है आपको कॉलेज में, या क्या क्या चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या डिस्कस कर पाएंगे? लाइक निर्मा यूनिवर्सिटी इज नॉट अ इंस्टीट्यूट, तो पहली बार वो यूनिवर्सिटी है, तो देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स दैट आर अवेलेबल हियर एंड 4 हॉस्टल्स आर अवेलेबल एंड लाइक 3 कैंटीन्स, 3 एंड 4 कैंटीन्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स. प्लस देयर इज वन स्टूडेंट रिसर्च सेंटर, स्टूडेंट रिसर्च सेंटर, तो दैट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. प्लस इन आर इंस्टीट्यूट लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद मूड कोर्ट हॉल्स, मूड कोर्ट रूम्स, सेमिनार हॉल्स, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड ऑल द क्लासेस लाइक 20 और 22 क्लासेस आर देयर इन द निर्मा यूनिवर्सिटी, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ निर्मा यूनिवर्सिटी. एंड देन इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद पोडियम्स एंड प्रोजेक्टर स्क्रीन्स एंड इट इज ऑल्सो एसी वेंटिलेटेड, दैट इज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. प्लस देयर इज द लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर एंड रीडिंग रूम्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट. सो लाइक इन लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर ओनली देयर आर सेंटर्स रूम्स अवेलेबल वेयर द एवरी सेंटर लाइक सेंटर फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, सेंटर फॉर एडीआर, देयर रूम्स हैज बीन प्रोवाइडेड, सो यू कैन प्रिपेयर देयर एंड सेंटर्स मीटिंग्स हेल्ड देयर ऑल्सो. सो या दैट इज इट. एंड द क्रिकेट ग्राउंड एंड फॉर लाइक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट ग्राउंड्स आर अवेलेबल एंड वेरियस लाइक वेरियस कोर्ट रूम्स आर अवेलेबल लाइक इनडोर एंड आउटडोर रूम. So that has also been provided. So on sports curriculum as well, people are so active on that as well. Yeah, that. तो अलग से विंग है आपकी एक प्रॉपरली, मतलब हाँ. फॉर मतलब एजुकेशन यू हैव सेपरेट विंग?
या सेपरेट वे, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी हैज सेपरेट लाइक ब्लॉक, एल ब्लॉक दैट इज नेम्ड एज एल ब्लॉक. अच्छा, तो अब आप थोड़ा हॉस्टल के बारे में डिस्क्राइब करोगे, हॉस्टल्स क्या है, कैसे हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, ट्विन शेयरिंग है, कैसा है, मतलब हाँ, सो अभी तक हॉस्टल नहीं था. फ्रॉम थर्ड ईयर इटसेल्फ लाइक लास्ट सेमेस्टर से ही मतलब गर्ल्स के लिए हॉस्टल ओपन कर दिया गया है. सो न्यू बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड लाइक एच बाय द नेम ऑफ एच फोर हॉस्टल एंड इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू गर्ल्स लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ सारी गर्ल्स के लिए अवेलेबल था. एंड थ्री टाइप्स ऑफ रूम्स आर अवेलेबल हियर लाइक थ्री शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग एंड सिंगल शेयरिंग रूम्स विद एसी वेंटिलेटेड एंड बालकनी अटैच. एवरी रूम हैज बालकनी अटैच विद इट. And then we have the mess facility attached and laundry services that is included in our fee structure only. And the hostel facilities are provided for like 10 months. And like in mess particularly, three meals have been provided and the fourth meal is also provided, but you have to pay like 25 rupees to access it on like शाम के टाइम का स्नैक्स उसके लिए. ओके तो यू व्हाट ऑल थिंग्स डिड यू गेट, लाइक बेड्स मिले थे या क्या क्या चीजें आपको उस रूम में अवेलेबल होती है और क्या क्या चीजें बच्चों को खुद लानी पड़ती है? हाँ, सो हॉस्टल्स में हमें बेड प्रोवाइड किए गए थे, स्टडी टेबल प्रोवाइड की गई थी, स्टडी रैक्स प्रोवाइड किए गए थे मतलब बुक रैक्स प्रोवाइड किए गए थे, अलमीरा प्रोवाइड की गई थी. बेड इज अवेलेबल ओनली एंड द पिलो कवर, पिलो इज ऑल्सो अवेलेबल. जस्ट यू हैव टू ब्रिंग द बेसिक नेसेसिटीज लाइक योर बेडशीट्स एंड द क्लोथ्स दैट इज अवेलेबल. प्लस वी हैव बीन प्रोवाइडेड द शू रैक एज वेल मतलब नीचे ही अलमीरा के, सो दैट इज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. प्लस वन ड्रॉर्स, सो प्लस जिम इज ऑल्सो अवेलेबल लाइक इन सिक्स फ्लोर, सो द गर्ल्स कैन एक्सेस इट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट. इट हैज बीन इंक्लूडेड इन आर फी स्ट्रक्चर. हॉट वाटर फैसिलिटीज इन विंटर्स या या वाटर फेस्टा, या वाटर वाटर कूलर लगा हुआ है हर फ्लोर में एंड एवरी फ्लोर हैज लाइक पर्टिकुलर वाटर कूलर. प्लस वी हैव द कैंटीन अवेलेबल इन ग्राउंड फ्लोर विच इज ओपन फ्रॉम लाइक 10 PM टू 5 AM. तो जो बच्चे लाइक नाइट स्टडी करते हैं ना, सो उसके उनके लिए वो कैंटीन अवेलेबल है जहाँ पे चाय कॉफी एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो वो भी है. अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें कंपेयर टू एनएलयूज या ओवरऑल आपको मतलब फीस स्ट्रक्चर में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो क्या इनपुट होगा? या सो लाइक हॉस्टल अकोमोडेशन और अकेडमिकली, तो अकेडमिकली द फीस इज लाइक 3,39,000 अराउंड. प्लस देर इज एन इंक्रीमेंट बाई 10% एवरी ईयर. तो ओके एनएलयू से तो ऑफकोर्स इट इज हायर बट इट इज वर्थ इट. लाइक निर्मा इज प्रोवाइडिंग सो मेनी फैसिलिटीज, सो पेइंग फॉर इट इज वर्थ इट फॉर मी पर्सनली. एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक हॉस्टल का फीस. सो 95,000 हैज टू बी पेड प्लस 50,000 फॉर मैस एंड लॉन्ड्री इज इंक्लूडेड. सो लाइक फॉर 10 months यू हैव टू पे दिस. सो आई हैव बीन आई एम इन लाइक थ्री शेयरिंग रूम, सो माई पर्टिकुलर एक्सपेंस फॉर द मंथ इज लाइक अराउंड 14K और 15K. सो इट इज लाइक रीजनेबल फॉर. ओके सो अगर अब नेक्स्ट अगर मूव करेंगे तो कोर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मतलब हु इज हेडिंग, हाउ इज इट गोइंग, तो आप इस पे कुछ लाइट थ्रो करेंगे? हाँ, सो कोर मैनेजमेंट में माधुरी मैम इज आर डीन. शी इज स्पेशलाइज इन एनवायरमेंटल लॉ एंड देन हमारे जो लेक्चर्स लेते हैं दैट इज रेगुलर प्रोफेसर्स बट विजिट प्लस विजिटिंग प्रोफेसर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. सो लाइक ज्योत्सना याग्निक मैम, शी इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल जज एंड डी एल पटेल सर, ही इज ऑल्सो द रिटायर्ड जज, डिस्ट्रिक्ट जज. सो ही हैज बीन टॉटिंग अस लाइक पूरा सैम, पिछला पूरा सैम ही दे बोथ टॉटर्स. एंड देन देर आर फॉरिन यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स हु आर एडजंक्ट हु आर एसोसिएटेड विद आर यूनिवर्सिटी दैट टेक रेगुलर लेक्चर्स एंड मेंटर अस लाइक इन रिसेंटली स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन मूट इज हैपनिंग रिसेंटली. सो हमारी टीम को इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी जो टीम रिप्रेजेंट कर रही थी, डॉक्टर रिकी ली, ही इज द लाइक एडजंक्ट प्रोफेसर एंड बिलोंग्स टू लाइक यूएसए, उनका इंटरनेशनल लॉ पे कमांड है. सो ही हैज एक्चुअली टेकन अ सेशन विद दैम लाइक टू और थ्री सेशन विद दैम. सो दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद लाइक अदर एक्टिविटीज एंड दे यूजली टेक लाइक वी हैव द इंटरनेशनल टीचिंग मंथ इन फेब्रवरी एंड मार्च. तो वहाँ पे दूसरे प्रोफेसर्स फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक पेन स्टेट लॉ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, सो दे केम फ्रॉम देयर एंड गिव अस द लेक्चर्स ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्जन एज. सो वो भी अवेलेबल. तो चांसलर, वाइस चांसलर या एनीथिंग, डायरेक्टर, उनकी कोई इंफॉर्मेशन? डी
ओनली डीन एंड डायरेक्टर, या ओनली डीन एंड डायरेक्टर, माधुरी पारिक मैम इज द डीन एंड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी। ओके ठीक है. सो सीट्स ऑफर्ड कितनी होंगी इन वट एवर कोर्सेस फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड अगर अपन बात करते हैं, तो व्हाट व्हाट इज द सीट इनटेक एवरी ईयर? या सो सीट इनटेक इज लाइक 300 एंड इट इज बाइफर्केटेड इन टू, लाइक बी एल एल बी ऑनर्स एंड बी कॉम एल एल बी ऑनर्स। सो बी एल एल बी ऑनर्स के लिए 180 सीट्स रिजर्व रहती है एंड देन बी कॉम एल एल बी ऑनर्स पे 120 सीट्स रिजर्व रहती है। एंड इट इज ओपन टू लाइक स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग्स टू प्रिफर विच कोर्स दे हैव टू ऑप्ट फॉर। सो उस हिसाब से देखें ना। तो ये तो हो गया BA LLB और BCOM LLB के लिए, मतलब 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए. अगर मुझे और भी लॉ में कुछ और करने का मन है तो और कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइडेड है? LLM provided है with elective in like competition law and intellectual property law, so आप LLM भी pursue कर सकते हो। या that is all that डू Institute दे हैव of PhD और LLD एनीथिंग? नो Law। I don't have knowledge on like PhD, but I have listened about LLM only, so I am like ठीक है. Institute। सो अब तो ये सब तो नॉर्म मतलब अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया. अटेंडेंस का क्या सीन रहता है, मतलब बंक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कैसा रहा अटेंडेंस का सीन है वहां पे? बींग इन निरमा, बींग इन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निरमा यूनिवर्सिटी जो अकेडमिकली रिगरस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वहां पे आप अटेंडेंस पे लीनियंसी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते सकते। सो लाइक 85% अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर अस, और उसके बाद अगर नीचे मतलब 75% से नीचे रही आपकी अटेंडेंस देन यू हैव टू प्रोवाइड द असाइनमेंट, एंड देन इफ 60% से कम रही अटेंडेंस then you have to appear before the appeal committee and give provide them the reasons, and if they are satisfied with the reasons they will provide you the assignment, or else if they are not satisfied you have to appear before the dean and director, that is Madhuri ma'am, and provide the reason, and if the dean and director is also not satisfied then NT लग जाती है, जिस हिसाब से उनको semester repeat करना पड़ता है। ओके, सो लाइक वेरी इतना स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट. इन्वायरमेंट है। ओके हाँ और मूड कल्चर अगर देखा जाए तो मूड कल्चर के कैसे माहौल है आपका, मतलब कितना एक्सपोजर है मूड के लिए, या मूड कल्चर कैसा है इनसाइड कॉलेज एंड आउटसाइड कॉलेज? इनसाइड कॉलेज एंड आउटसाइड कॉलेज, आईएलएन इज फेमस लाइक इन मूटिंग कल्चर, मूटिंग इन्वायरमेंट। सो यहाँ का मूटिंग इन्वायरमेंट बहुत रिगरसली एक्टिव है, और जिस हिसाब से मतलब एवरी स्टूडेंट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन एवरी, मतलब दे हैव एक्चुअली एटलीस्ट वन टाइम पार्टिसिपेटेड इन एवरी मूट। सो इस हिसाब से एवरी स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटेड, प्लस एंड वी हैव टू मूट कोड कमिटीज, लाइक वन इज एनसीसी ऑर्गेनाइजिंग एंड द सेकेंड वन इज मूट कोड इंटरनल्स। सो मूड कोर्ट ऑर्गेनाइजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मूड, दैट इज लाइक हमारा इंस्टीट्यूट ILNU RB मतलब कॉम्पिटिशन लॉ पे मूड कराता है। सो दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय MCCO एंड MCC इंटरनल्स कंडक्ट्स वेरियस OCs। सो लास्ट ईयर तक वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद OCs बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, जो जो कॉम्पिटिशन आते जा रहे हैं, बट इस साल से दे हैव मेड लाइक 5 verticals। सो 5 verticals इन द सेंस लाइक कि सब्जेक्ट बेस्ड के मैटर में दे हैव डिवाइडेड द मूड्स ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड प्रोवाइडेड एंड पुट इट अंडर डिफरेंट वर्टिकल्स। सो 5 verticals लाइक फर्स्ट इज कॉम्पिटिशन लॉ वर्टिकल, सो जितने भी मूड कॉम्पिटिशन लॉ पे बेस्ड होंगे दैट इज प्रोवाइडेड इन कॉम्पिटिशन वर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वर्टिकल कॉर्पोरेट वर्टिकल। फिर उसके अंदर OCs कंडक्ट होते थे, लाइक यू हैव टू फॉर्म अ टीम एंड देन उस वर्टिकल में एक प्रॉब्लम रिलीज होगी एंड पीपल आर पार्टिसिपेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। फिर उसके बेसिस पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रैंकिंग्स, सो रैंकिंग के बेसिस पे पीपल गॉट अ चांस टू चूज विच मूड दे हैव टू ऑप्ट फॉर। फिर दे एक्चुअली लाइक इसके मतलब ये वर्टिकल का मेन पर्पस था टू गेट अ बेसिक नॉलेज ऑन पर्टिकुलर लॉ दैट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन पर्टिकुलर मूड। तो वो एक अच्छा था मतलब इनिशिएटिव इस साल इट्स अ विगरस कल्चर, मतलब काफी रेगुलर। काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप हर चीज चूज कर सकते हैं, मतलब इट वोंट बी फोर्स्ड, यू हैव ऑल द डोमेन्स ओपन, राइट? सो लीगल एड कमिटी है आपके यहाँ पे, या लीगल एड के लिए कुछ ऐसा करते हैं अपन, एनीथिंग निर सो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ लीगल एड कमिटी इन फर्स्ट ईयर, सो उस टाइम तो ऑनलाइन था, सो वी हैव बीन प्रोवाइडिंग विद सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस एंड रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। सो दे ऑर्गेनाइज द सेमिनार्स ऑन हाउ टू राइट द रिसर्च पेपर फर्स्ट ईयर में। फिर अभी ऑफलाइन आने के बाद लीगल एड कमिटी इज ऑल्सो एक्टिव, सो लाइक दे हैव बीन गोइंग टू विलेज एरियाज,
फिर नुक्कड़ नाटक इन एसोसिएशन विद थिएटर कमेटी दे ऑर्गेनाइज नुक्कड़ नाटक एंड प्रोवाइड देम द इनिशिएटिव. तो विलेज एरियाज में जैसे लोगों को नहीं पता होता है तो दे डू दिस. प्लस एक एनएसएस कमेटी है सो लीगल एड इन एसोसिएशन विद एनएसएस यूनिट ILNU. वो उधर जाके मतलब अभी रिसेंटली दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप जहाँ पे बच्चे खुद जाके उस विलेज एरिया में रहे थे 10 दिन, लाइक 8 to 10 days. सो वहाँ पे उनका एनवायरमेंट भी समझा बच्चों ने. सो दैट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड एंड इट कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज द सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेज बेस्ड ऑन लाइक हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, हाउ टू डू अ मूड, हाउ टू ड्राफ्ट पर्टिकुलर थिंग. सो दैट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड एंड प्लस ब्लॉग्स आर ऑल्सो बीन रिटन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. सो ब्लॉग साइट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन बेसिस ऑफ लीगल एड कमिटी. और कोई कमिटीज हो जो बहुत ही एक्टिवली फंक्शन कर रही हो, या सेल्स हो जिसके बारे में आप थोड़ा सा इनलाइटन करेंगे हमें? सो ILNU में जितनी भी सेंटर्स या जितनी भी कमिटीज हैं दैट आर प्रिटी एक्टिव, दैट इज टू सरप्राइज, लेकिन हाँ बहुत एक्टिव है. सो लाइक निल्सा है एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट ऑर्गेनाइज वेरियस कॉम्पिटिशन जो भी होते हैं दैट प्रोवाइड सपोर्ट. और फिर उसी के अंदर देर आर क्लब्स हैं जो प्रोवाइडेड लाइक डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, थिएटर क्लब, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन ज्वाइन इट, स्पोर्ट्स कमिटी, स्पोर्ट्स क्लब. सो उस हिसाब से दे ऑर्गेनाइज एवरी ईयर कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहते हैं लाइक टेंजरीन एंड फेस्ट वगैरह. एंड देन ऑन अकेडमिक पार्ट देर इज डेप्सॉक, ILNU डेप्सॉक एंड नेशनल पार्लियामेंट्री डिबेट कमेटी. सो उसके बेसिस पे डिबेट कमेटी हमारे यहाँ की बहुत एक्टिव है. इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज वेरियस सेमिनार्स ऑन ऑन हाउ टू डू एशियन पार्लियामेंट्री डिबेट और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट एंड वेरियस सेमिनार्स विद फॉरन यूनिवर्सिटीज, जो फॉरन यूनिवर्सिटीज के अच्छे डिबेटर्स है दैट कम अलॉन्ग एंड गिव अस दे प्रोवाइड अस देयर इनसाइट्स लाइक हाउ टू डू अ पर्टिकुलर डिबेट इन अ बेटर मैनर. एंड देन डेप्सॉक कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करती है इंस्टीट्यूट को इन वेरियस कॉम्पिटिशन नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली. एंड देन देयर इज ADRC कमिटी. सो ADRC मतलब इंटरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी दैट इज ऑल्सो एक्टिव. इट ऑल्सो कंडक्ट OCs ऑन वेरियस हेड्स एंड आर इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इन वेरियस कॉम्पिटिशन नेशनल एंड. ओके, तो अब ये सारा तो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर्स, को करिकुलर्स एंड एजुकेशन की बात हो गई। अब आते हैं अगर प्लेसमेंट की बात करें, तो कैसे हैं निर्मा के प्लेसमेंट्स और कहाँ कहाँ पे आपके एलुमनाइज प्लेस्ड हैं, या मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लाइन में? या सो लाइक प्लेसमेंट के हिसाब से प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है निर्मा का. सो लाइक लास्ट ईयर ओनली आई हैव द डाटा ऑन लास्ट ईयर. सो हाईएस्ट पैकेज वेंट टू लाइक 15 लाख 2020-21 का. तो हाईएस्ट पैकेज वॉज 15 लाख. और जितने भी बहुत सारे पीपल हैज एक्चुअली बीन प्लेस टू टीयर वन कॉर्पोरेट फर्म. सो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक कॉर्पोरेट वी हैव द एलुमनाई बेस ऑफ लाइक मधुर वर्मा. ही इज द प्रिंसिपल एसोसिएट एट कैम्प साइरिल अमरचंद मंगलदास. एंड देर आर वेरियस एसोसिएट्स दैट आर अवेलेबल इन टीयर वन फर्म्स लाइक सैम कैम खैतान ट्राई लीगल. सो देर सीनियर एसोसिएट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द लाइक ऑन सेकेंड फील्ड लाइक जजेस. देर हैज बीन अ बंच ऑफ पीपल हु एक्चुअली पास द गुजरात जुडिशियल एग्जामिनेशन, उत्तराखंड MP जुडिशियल एग्जामिनेशन. एंड देर इज अ पर्सन लाइक हु हैज बीन रैंक 6 इन उत्तराखंड जज सर्विस एग्जामिनेशन. So on the basis of judges, like people actually went to there and based on like LLM, so people are pursuing LLM in people are pursuing LLM through various renowned universities like Penn State Law, Warwick University. So they have been provided scholarships as well, like Upendra Bakshi Scholar and Penn State Scholar. So they have been provided this also. Plus there has been an alumni that is by name of Toshik Godra. She's the assistant research officer at Commonwealth. So she is the first person to actually placed at Commonwealth Secretariat. And then there is a LAMP fellowship also been provided to particular student. And then she has also been a professor currently at MIT University Dubai. So that is it. Also there is a one alumni by who has been representing UN Women Delegate in UK delegation program. So she has also been representing and she is currently in Cambridge University. So yeah. बच्चे आपके मतलब कुछ आपके बैचमेट्स या योर सीनियर्स और जूनियर्स में भी कुछ इंटरनेशनल मूड कोर्ट्स में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कभी रिप्रेजेंट किया हो, और मे बी कुछ ट्रॉफीज और समथिंग लाइक दैट? या सो
अभी जो करेंटली मूड को जो मूड रिप्रेजेंट कर रही है विस हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मूड. सो हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की टीम है दैट एक्चुअली इज इन हांगकांग रिसेंटली, अभी करेंटली वहां तक, मतलब दिस इज द फर्स्ट टीम दैट एक्चुअली रीच देयर एंड दे गॉट द इन प्री ट्रायल राउंड दे गॉट द बेस्ट मेमो साइटेशन एज वेल. सो वो एक था, प्लस स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन मूड इज करेंटली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हियर. तो यहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो रिप्रेजेंट कर रही थी दैट इज एक्चुअली हैपेंड द राउंड्स. एंड देन इंटरनेशनल मूड्स में ये है, एंड देन नेशनल मूड्स में, लाइक नेशनल मूड्स में वी हैव बीन विनिंग द कॉम्पिटिशन एंड ब्रिंगिंग द साइटेशंस लाइक इन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मल यूनिवर्सिटी. लाइक आई पर्सनली डिड अभी एनएलयूजे एंटी टस्ट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जिसमें वी वर द क्वार्टर फाइनलिस्ट, एंड देन देर आर टीम्स हु एक्चुअली वॉन द कॉम्पिटिशन लाइक सुराना एंड सुराना इंसॉल्वेंसी मूड एंड देन एनएलआईयू कॉर्पोरेट लॉ मूड. सो या दैट इज द अचीव एंड देर आर सर्टेन अचीवमेंट्स एज वेल हु लाइक एवरी टीम इज ब्रिंगिंग सर्टेन साइटेशन बेस्ड ऑन लाइक बेस्ट मेमोरियल और बी इट लाइक क्वार्टर फाइनलिस्ट सेमी फाइनलिस्ट. सो नॉट बिलो दैट एवरीवन हैज एक्चुअली ब्रिंग द साइटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ. तो अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एंड हॉस्टल, अहमदाबाद का एक्सपीरियंस कैसा है एज अ प्लेस और एनीथिंग लाइक? अहमदाबाद इज अ गुड प्लेस टू लिव, सेफ प्लेस टू लिव फॉर गर्ल्स, एंड प्लस यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. सो लाइक आपको, मतलब वेदर वाइज इट इज लाइक करेंटली, मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग होते रहता है, फ्लक्चुएटेड है, लेकिन स्टिल इट इज अ बेस्ट प्लेस टू लिव. लाइक देयर हैज बीन अ निरमा के पास ही एक हाई कोर्ट है. सो यू कैन गो, लाइक देयर आर पीपल हु आर करेंटली इंटर्निंग, मतलब कंटिन्यूस इंटर्नशिप करते रहते हैं आफ्टर कॉलेज आवर्स. तो वो एक एडवांटेज है. प्लस सेकेंड थिंग इज लाइक मॉल्स आर अवेलेबल, फेस्ट आर ऑलवेज ऑर्गेनाइजिंग इन अहमदाबाद, लेकिन आर इंस्टीट्यूट ओनली. देर आर वेरियस इंस्टीट्यूट इन निर्मा यूनिवर्सिटी, एवरी इंस्टीट्यूट विद टाइम टू टाइम इन अ ईयर, लाइक कुछ हम 15 to 20 फेस्ट तो अटेंड कर ही लेते होंगे इन निर्मा ओनली. एंड देन देर आर अदर यूनिवर्सिटीज लाइक आईआईएम अहमदाबाद, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, तो वो भी फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है. एंड देन इन अहमदाबाद ओनली सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे दे एक्चुअली ब्रिंग आउट द वेरियस आर्टिस्ट लाइक प्रतीक कुहार, लकी अली, अरिजीत सिंह, ये सारे आर्टिस्ट आते रहते हैं. सो दैट इज इट. ऑल्सो द स्टेडियम इज इन अहमदाबाद ओनली. तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच अभी जैसे कि हुआ, तो दैट इज इट. प्लस आईपीएल के बहुत सारे मैचेस भी होने वाले हैं, सो वो भी एक चीज है ऑन अपर पार्ट ऑफ इट. प्लस एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सुपर गुड. प्लस यू कैन हैव स्मॉल ट्रिप्स विद योर फ्रेंड ग्रुप्स इन एंड अराउंड निर्मा, लाइक यू कैन गो टू दमन, यू कैन गो टू माउंट आबू. सो कॉलेज टाइमिंग्स क्या रहता है एंड वीकेंड्स पे सैटरडे संडे ऑफ होता है नहीं होता है, मतलब व्हाट इज द कल्चर आउट देयर? हाँ, सो लाइक वीकेंड्स हमारा 5 days इन अ वीक क्लासेस लगती हैं, लाइक बेस्ड ऑन लाइक कि कितना करिकुलम, मतलब कितना कोर्स बचा है. तो सैटरडे को लेते हैं मैथ्स टू मैथ्स क्लासेस. प्लस द कॉलेज टाइमिंग्स आर फ्रॉम लाइक 8:45 to 2:45, और फॉर सम सम क्लासेस लाइक 4 till 4. तो 4 तक मैथ्स टू मैथ्स क्लासेस होती है, एंड देन वी हैव अ हॉलीडे ऑन लाइक सैटरडे एंड संडे. ओके, सो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कॉलेज से मिल जाती हैं या आपको खुद अप्रोच करना होता है, या मतलब क्या है इंटर्नशिप्स का सीन? सो वी हैव कमिटी कॉल्ड सीआरसी, कैंपस रिक्रूटमेंट सेल, जो हमें इंटर्नशिप्स का पूरा नॉलेज देती है कि उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है. सो लाइक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 फर्म्स, द लिस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड, सो यू कैन अप्लाई थ्रू दैट वाइज. और सीनियर एडवोकेट जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो वो एक होता है. प्लस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, सो उनके तरफ से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जाता है. प्लस देर इज अ कमिटी कॉल्ड एसआरसी, स्टूडेंट रिसर्च काउंसिल, जो कि बच्चों को बहुत हेल्प करती है इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की. लाइक देर हैज बीन मेल हैज बीन फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप्स उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च पेपर्स लगाई थी बहुत सारी जगह, सो दैट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. सो फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, लाइक इन अपकमिंग ईयर्स भी मिलता है, लेकिन बेसिकली सीवी एंड रिज्यूमे तो आपको ही खुद ही बिल्ड करनी होती है. सो बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी यू कैन अप्लाई थ्रू इट. और सीनियर्स का कितना सपोर्ट है कॉलेज में? सीनियर्स आर सुपर सपोर्टिव. लाइक हमारे जो ओसीज कंडक्ट होते हैं ना, जो वर्टिकल्स मैंने बताए, सो उसको जज करने हमारे खुद एलुमनाई आते हैं जो कि एसोसिएट्स हैं एट टीयर 1 फॉर्म्स एंड टीयर 2 फॉर्म्स, हु आर वोटेड कॉम्पिटिशन, लाइक कॉम्पिटिशन लॉ एंथुसियास्ट हैं या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंथुसियास्ट हैं, वो खुद आते हैं जज करने यहाँ पे राउंड.
हमें जब मूड अलॉट हो जाता है तो पहले वी हैव बी लाइक थ्री हायरार्की है वी हैव टू फॉलो. सो वी हैव टू अप्रोच फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर वाले सीनियर्स जो उस पर्टिकुलर लॉ में अच्छे हों और दे हैव डिड द मूड, तो उनको अप्रोच करो. एंड देन वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द एलुमनाई कॉन्टेक्ट्स और उसके बेसिस पे हम एलुमनाई को अप्रोच कर सकते हैं टू हेल्प अस इन आवर मूड प्रिपरेशन. सो उधर पे हम अप्रोच कर सकते हैं. एंड देन सीनियर एसोसिएशन पार्टनर लेवल्स जो कॉलेज के थ्रू ही जाना होता है, कॉलेज इन्वाइट करता है, तो वो आके हमारे कुछ राउंड्स, ओरल राउंड्स, मतलब प्रैक्टिस राउंड्स जज कर लेते हैं. सो उसमें बहुत हेल्प मिलती है. एंड देन प्रोवाइडिंग लाइक करियर पे रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सो सेंटर्स के जो चेयरपर्सन है दैट आर सीनियर्स ओनली. सो वो बहुत अच्छे मतलब सेशंस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो मोटिवेट मतलब करियर ओरिएंटेड सेशंस होते हैं दैट एक्चुअली लीड टू अस इन अ करेक्ट पाथ. तो वो एक बेटर होता है. तो मतलब सीनियर्स आर सुपर सपोर्टिव और वो कभी मना नहीं करते. आप अप्रोच करो, वो हाँ आपको बोल देंगे और आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी एक बार. सो या ओके सो प्रिया, इट वाज रियली वेरी इंसाइटफुल. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. एंड अभी हमारे पास एक लीगल एज लॉ स्कूल करके भी वी हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर द पर्संस हु द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और हु आर ऑलरेडी परस्यूइंग इट. सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब देयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अमेजिंग इनसाइट्स. आपको कुछ थैंक लास्ट यू सो मच. वर्ड्स जो आप कुछ कहना चाहें? सो अगर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ सो इट इज प्रोवाइडिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. आपको बस वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है एंड यूज इट इन अ वाइज वे. प्लस ऐसा नहीं है कि अकेडमिकली बहुत स्ट्रिक्ट है तो आप कुछ नहीं कर सकते. अकेडमिकली स्ट्रिक्ट है तो एट द सेम टाइम देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल जो कि एक्टिविटीज रेगुलरली कंडक्ट कराते रहती है. सो दैट एक्चुअली अपलिफ्ट्स योर मूड. Like you got also got to interact with so many people, not only law itself, like be it management ke students ho gaye, design ke students ho gaye, architecture. So you got to interact from various people from various walks of life. तो वो एक better है. So Institute of Law Nirma University में journey बहुत beautiful होती है. कुछ मतलब admission हुआ, so it is a good institute only. Thank you so And much, all the Priyal. best for. Thank you so much, Priyal. And thank you everyone for watching.